डॉक्टर सचिन जत्तावार, हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपका और हमारा मित्रवत व्यवहार बना है इस फेसबुक के माध्यम से, वो सदा बना रहे और मैं आपको इसी तरह से नई नई जानकारियाँ, नए नए विषय ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। आज का विषय बड़ा जटिल है और बड़ा प्रासंगिक भी है। क्या होता है कि हमारे पास जब डायबिटीज के मरीज आते हैं, दवा बराबर दी दी जाती है, वो नियमित दवा का सेवन करते हैं, कुछ लोग व्यायाम बराबर करते हैं, खान पान का बहुत ध्यान रखते हैं, सारी चीजें लगभग 100% करते हैं, और कई बार जब सब कुछ हो जाने के बाद वो रिपोर्ट लेकर आते हैं और फिर बड़े मायूस हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो सब कर लिया, अब ऐसा क्या हो रहा है कि शुगर अभी भी 150-200 जा रही है, नियंत्रित नहीं हो रही। बड़ी चिंता आ जाती है हमको। तो ऐसे मरीजों में कभी कभार हम लोग इस चीज के बारे में पूछते हैं कि आपको नींद कैसे आती है। तो जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो मरीज तपाक से बोलता है, साहब आजकल नींद बहुत अच्छे से नहीं लग रही है, बार बार खुल जाती है, कई बार कुछ लोगों के जीवन में चिंता रहती है, परेशानियां रहती हैं, वो उनके दिमाग में घूमती रहती है, या कुछ लोगों का वाइफ तपाक से कहती है कि ये तो बहुत खर्राटे लेते हैं और इनकी नींद दिन में 3-4 बार रात में सोते समय खुलती है, और दिन में जब नहीं सोना चाहिए बैठे बैठे ये दुकान के काउंटर पे सो जाते हैं, गाड़ी चलाते समय इन्हें नींद आने लगती है, तो ये क्या समस्या है? तो नींद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर आप देखा जाए तो इसके बारे में स्वप्न शास्त्र लिखे गए, नाना प्रकार की बातें की गई, कविताओं में, साहित्य में, हर जगह नींद का बड़ा महत्व है, पर कहीं ना कहीं चिकित्सा में हम उसको उतनी तवज्जो नहीं दे पाए जितना इसका वो हकदार है। देखिए क्या होता है कि आपकी जब तक नींद अच्छी ना हो तो मन अच्छा नहीं रहता, चित्त अच्छा नहीं रहता, याददाश्त कमजोर होने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है और एकाग्रता तो खत्म ही हो जाती है, तो जो आपके व्यक्तित्व के रंग है वो धूमिल होने लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शोधों में आ रहा है और इस बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं। तो जो ये नींद का शास्त्र है, इसी के बारे में हमने सोचा कि नींद और डायबिटीज, मधुमेह का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, कितनी नींद होनी चाहिए? आप कितने घंटे सोते हैं? कुछ लोग बोलेंगे, सर हम 5 घंटे सोते हैं, कुछ का कहना है कि 6 घंटे, और कुछ कहेंगे कि हमें 7-8 घंटे के बाद भी ऐसा लगता है कि पूरी नींद नहीं हुई। क्या सही है, क्या गलत है? लोग कहते हैं ना, ये तो सोता ही रहता है, ये सुस्त है, ये गलत है, क्योंकि आदमी को अपने शरीर के अनुरूप 6 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, और वो भी निर्बाध नींद होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा स्वप्न लोक में भी विचरण करना जरूरी है। स्वप्न लोक का संबंध, मैं क्या बोलना चाहता हूं, नींद का एक भाग होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस दौरान आदमी अपने सपने देखता है, नाना प्रकार की, कई बार कुछ लोग बातें भी करने लगते हैं, तो यह अवस्था नींद की अवस्था में हर 15-20-20 मिनट में आती रहती है। तो यह अवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि इस अवस्था के दौरान शरीर रिलैक्स हो जाता है और उसके साथ साथ डीप स्लीप भी बराबर आनी चाहिए। तो यह हो गई कि कितनी नींद होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि उम्र के हिसाब से क्या नींद कम ज्यादा होती है? देखिए, नींद का कम होना शोधों में यह दिखाया जा रहा है कि जब भी नींद कम होने लग जाए, आप मान के चलें कि प्रकृति आपको यह बता रही है कि किसी न किसी प्रकार की बीमारी आने वाली है। तो किसी भी उम्र में 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। अगर हमें अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नींद अच्छे से आए। तो क्या क्या कारण है जिसके कारण आजकल नींद नहीं आती लोगों को? चिंता परेशानी की तो बात हो ही गई। एक ये बड़ा ही जटिल विषय है कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं, हम उसका प्रतिफल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया तो वो उसके प्रतिदान में हमारी सेवा करें, हमारी पूछ परख करें। वैसे ही बाकी रिश्तों में इस प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं, तो कई बार ऐसी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जो कि होना स्वाभाविक बात है कि आप जो चाहते हैं उसका प्रतिफल उतने ही बराबरी से नाप तौल के नहीं मिलेगा। तो इस सोच के कारण भी कई बार लोग बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और उनका मन खराब होने लगता है।
तो मैं सबसे पहले अपने मरीजों को यही कहता हूं कि अपना मन साफ करें, अपना कर्तव्य निभाएं और रोज परिवर्तन करें अपने सोच विचार में, जिससे क्या होगा कि आप दूसरों को नहीं सुधार सकते, पर आप स्वयं में परिवर्तन कर सकते हैं कि जो परिस्थिति आपको अप्रिय लगती है वो अप्रिय ना लगे। ये तो हो गया व्यक्तिगत सुधार की बात, जिससे आप नींद ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, और क्या क्या कारण है? देखिए, आजकल क्या है कि लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 के बाद से ये बराबर की समस्या बनी रही कि हम स्क्रीन टाइम बढ़ गया, हम वेब सीरीज देखने लगे, मोबाइल, हम उठते ही साथ सबसे पहले कहाँ ध्यान जाता है? सबसे पहले ध्यान इंसान उठता है तो उसका अपने बीबी बच्चों पे ध्यान नहीं जाता आजकल। सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है, चार्ज तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉल मिस हो गए, अरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन क्या आया है, व्हाट्सएप पे क्या आया है, ये हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है। और कहीं ना कहीं इस जो स्क्रीन है उसमें ब्लू लाइट निकलता है। ये ब्लू लाइट का असर अगर सुबह के समय हो तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर देर रात में भी ब्लू लाइट का असर होता है तो ये आपके चित्त को शांत होने से रोक देता है। तो एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जिसको पीनियल ग्लैंड के आसपास, वहां से सिक्रीशन होता है इसका, ये भी एक हार्मोन की ग्रंथि है। तो मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाने के कारण आपको जो नींद की शुरुआत होनी चाहिए या जो नींद की बनावट है, नींद की गहराई है और नींद का टाइमिंग है, वो कम होने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए शाम के समय धीरे धीरे आप ऐसा करें कि आपके घर की लाइट कम होते जानी चाहिए और सोने के टाइम तक आते आते अंधेरा हो जाना चाहिए। तो इससे प्राकृतिक तौर पे आप ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे नींद हो सके। सोते समय या सोने का जब प्रयास कर रहे हैं तब आप मोबाइल ना देखें, स्क्रीन टाइम ना बढ़ाएं, टीवी के लिए आप अपना समय निश्चित रखिए पर उस समय टीवी ना देखें। उस समय आप किताब पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ना नींद लाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। स्कूल शिक्षा के दौरान या हमारे कॉलेज के दौरान तो किताब पढ़ते पढ़ते सोना एक सामान्य बात थी, पर आजकल सब कुछ छूट गया है। तो उन चीजों को अपन इन चीजों का उपाय किया जा सकता है जिससे आपको भरपूर नींद आ सके। और क्या कारण हो सकते हैं कि नींद आपको ढंग से नहीं आ रही? कुछ लोगों को पेट खराब रहता है, कुछ लोगों को रिफ्लक्स की शिकायत रहती है, तो जैसे ही वो सीधा लेटते हैं तो मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, तो खांसी आ जाती है, नींद खुल जाती है। कभी कभार मोटापे के कारण आपकी सांस रुकने लगती है, तो सांस रुकती है, तो सांस रुकेगी तो इंसान जगेगा, फिर वो सांस लेगा, नींद छूटेगी, फिर सोएगा, फिर खर्राटे लेने लग जाएगा और फिर सांस रुक जाएगी। इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया एक बड़ा कारण है जिसके कारण कई बार हमारी जो नींद का शास्त्र है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी कोई अगर घर में खर्राटे लेता हो और उसकी बार बार नींद खुलती हो और दिन में वो बैठे बैठे सोने का आदी हो गया हो, तो इसको कहते हैं नार्कोलेप्सी। ऐसा नहीं होता कि आप बात करते करते सो जाएंगे, पर इन लोगों में ये परेशानी होती है। गाड़ी चलाते समय भी नींद आ सकता है और काउंटर पे बैठे हैं दुकान में जब आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए तब भी नींद आ सकती है। तो ये जो नार्कोलेप्सी भी एक फीचर है स्लीप एपनिया का, जो कि एक प्रकार की स्लीप की बीमारी है। कुछ लोग क्या होता है कि वो नींद के दौरान पैर बहुत चलाते हैं, तो उनके साथ सोने वाले लोग बोलते हैं ये बहुत पैर मारता है, लात मारता है, और कुछ ना कुछ बोलना, दांतों का किटकिट होना, तो ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है। कई बार इसको हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। तो ये जो चीजें हैं इसको हमें सामान्य तौर पे ये मान के नहीं चलना चाहिए कि ये तो इसकी आदत है। आपको वहां पे ऐसी अवस्था में बीमारी का पुट ढूंढना होगा और उसका समुचित इलाज कराना होगा। कई बार कुछ शंकाएं आशंकाएं जो बहुत देर रात जगते हैं, पढ़ाई के बहाने जग जाते हैं, फिर भी ये जो एक दौर आता है तो स्टूडेंट्स केस में तो बिल्कुल होता है कि कभी भी उठना कभी भी सोना, पर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि नींद का टाइमिंग आपका 6 to 8 hours होना चाहिए। अब बात आती है कि ये समस्याएं हो गई और ये किस तरह से आपके शुगर को बिगाड़ती हैं। देखिए, नींद एक तरह की साफ सफाई का बहुत अच्छा जरिया है। साफ सफाई किस प्रकार की साफ सफाई? विचारों की साफ सफाई, दिमागी साफ सफाई, टेंशन की कमी, नाना प्रकार के हार्मोन्स जो बहुत उद्वेलित अवस्था में आ जाते हैं नींद के दौरान शांत हो जाते हैं, जिसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है और नींद के दौरान आपको बहुत सारे ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। सबसे अच्छी
ब्लड प्रेशर की दवा क्या है दर्शकों? एक लंबी और अच्छी नींद। मन अच्छा रहने लगता है, मानसिक तनाव कम होने लगते हैं, तो हृदय रोग भी, जो हृदय से संबंधित परेशानियां हैं, वो भी घटने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शोधों में यह देखा गया कि जिनको अच्छे से नींद नहीं आती, उनको भविष्य में चलकर स्मृति लो, जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया, उसका सबसे बड़ा कारण है अल्जाइमर डिजीज, उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी लेटेस्ट एक शोध ये बता रहा है कि जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो सालों पहले उनको मान के चलना चाहिए कि भविष्य में डीजेनरेटिव, दिमाग की डीजेनरेटिव बीमारियां, जैसे पार्किंसन डिजीज, कहते हैं ना हाथ पैर एकदम टाइट हो जाते हैं और ट्रेमर्स आने लगते हैं, बैलेंस गड़बड़ होने लगता है, तो ये उसकी शुरुआत हो सकती है। लकवे की संभावना भी बढ़ जाती है अगर हम ढंग से नींद ना लें। तो इसलिए आपने देखा होगा, जब भी विवेचना करते हैं पुलिस वाले लोग, जब भी अपराधी की शिनाख्त करने के बाद उससे उगलवाना चाहते हैं, तो उसको वो सोने नहीं देते। तो सोने नहीं देते तो दूसरे तीसरे दिन उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो टूट जाता है और सारी चीजें बता देता है। तो ये चीजें हमें सीखने की है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा ईश्वर का गिफ्ट है कि इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। अब बात आती है कि डायबिटीज में नींद, देखिए स्लीप एपनिया सिंड्रोम में, जब भी हमने बताया ना स्लीप खर्राटे लेते हैं, रात में नींद खुलती है, दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, ऐसे मरीजों में जब हम स्लीप स्टडी कराते हैं, स्लीप स्टडी की जांच पहले महंगी थी, आजकल आपके घर पे ही आप आते हैं कंपनी वाले और आपको मशीन लगा के जाते हैं, 2 दिन उसके साथ सोना होता है और उससे फिर जो चार्ट निकलता है उसके आधार पर डॉक्टर आपका तय करते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है। तो स्लीप एपनिया वाले मरीज में जहां स्लीप एपनिया की बीमारी पता चलती है, आपको आश्चर्य होगा कि मोबाइल के साइज की छोटी सी मशीन लगा के वो रात में सोते हैं। ये मशीन क्या करती है? ये मशीन आप में एक पॉजिटिव प्रेशर बना के रखती है, जिससे ये जो तालू का हिस्सा है सांस की नली से चिपक नहीं जाता और सांस रुकती नहीं है। तो ऐसे मरीजों में क्या होता है? सबसे पहली बात, ये इनमें सबसे अभूतपूर्व परिवर्तन आता है, इनका मन अच्छा रहने लगता है, मूड अच्छा रहता है, मूड स्विंग्स कम हो जाते हैं, चेहरा बिल्कुल अलग दिखने लगता है, नींद बढ़िया निर्बाध आती है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा चमत्कार कि शुगर बिल्कुल नॉर्मल होने लगती है। ऐसे मरीज कई बार हमारे पास, ऐसे मरीज हैं जो 150-200 यूनिट इंसुलिन पे हैं, उनको तो जरूर देखना चाहिए कि मोटापा है तो कहीं स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में लकवा रोक देता है, हृदय रोग रोक देता है, शुगर नॉर्मल हो जाती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। अब बात ये आती है कि हम जो सामान्य लोग हैं, सामान्य डायबिटीज के मरीज हैं, हमें स्लीप एपनिया नहीं है, क्या हम अपनी स्लीप मॉनिटर कर सकते हैं? क्या हम अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नींद कैसी आ रही है, सही आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए, इसके लिए आर्टिग्राफी करके एक मेथड है, एक पॉलीसोमनोग्राफी नाम का मेथड है। तो पॉलीसोमनोग्राफी के लिए तो आपको बिल्कुल वहां पे वो वीडियो लगा के रखते हैं और स्लीप वाली मशीन लगाते हैं, उसके साथ सोना होता है और फिर आपके नसों की तरंगे भी देखते हैं और दिमाग की भी तरंगे देखते हैं। ये बड़ा प्रोसीजर है, तो जहां पे बहुत जटिल समस्या होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। पर मित्रों, देखिएगा कि आजकल जो दौड़ते भागते लोग हैं उनके पास घड़ी रहती है, बहुत से अन्य बहुत सारी कंपनियों की घड़ियां आती हैं, वो उनमें आर्टिग्राफी टेक्निक से वो ऐसे आंकड़े होते हैं कि जैसे सोते समय आप जो जिस प्रकार की हरकत करते हैं, मूवमेंट लेते हैं, तो उसी हिसाब से वो विवेचना करता है और आपके नींद के बारे में सुबह आपको बताता है कि आपकी नींद साउंड रही, डीप रही, कि आप बहुत डिस्टर्ब रहे। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपना नींद वाला मामला देख सकते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर साहब, ये तो हो गया, आपने बता दिया शुगर इससे खराब हो जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लकवा भी लग सकता है, स्मृति लोप यानी डिमेंशिया भी हो सकता है, तो हमें कैसे अपने आप इसको ठीक करना चाहिए? तो स्लीप हाइजीन क्या है? नींद की स्वच्छता। थोड़ा सा जब हम अंग्रेजी के शब्द को यहां पर रूपांतरण करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपने को प्रासंगिक नहीं लगता, पर स्लीप हाइजीन एक नया कंसेप्ट है जो कि ये बताता है कि आप सोने का टाइम फिक्स करिए, सोने का ड्यूरेशन आप कम से कम 6 से 8 घंटा रखिए, जिस बिस्तर पे सो रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए, जिसमें सपने आने चाहिए, गद्दा अच्छा होना चाहिए, तो उसका आकार, पिलो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ माहौल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि वहां बहुत डिस्टरबेंस है, आवाजें हैं, अंधेरा प्रॉपर नहीं है, लाइटें जल रही हैं, तो नींद आपकी चली जाएगी।
और सोते समय आपको बिल्कुल माहौल बनाना चाहिए, सोने से 1-2 घंटे तक, 1-2 घंटे पहले टीवी वगैरह मत देखिए, मोबाइल बिल्कुल आप एक सीमित टाइम पे, आप मैं मोबाइल नहीं देखूंगा वाला टाइम चालू करिए। ब्लू लाइट मैंने जैसा बताया वो मेलाटोनिन को, सिक्रीशन को डिस्टर्ब करती है, तो वहां से गड़बड़ हो जाती है नींद। फिर आप इस तरह का माहौल बनाने के साथ साथ आप नींद के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोगों को नींद लगने में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ डॉक्टरी सलाह ली जा सकती है, पर सबसे पहले स्लीप हाइजीन करिए। स्लीप हाइजीन का मतलब ही है कि आपको सोते समय मदिरा पान नहीं करना है। कोशिश करिए अगर कॉफ़ी चाय आप लेते हैं तो सोने के 6-7 घंटे पहले ही आखिरी कॉफ़ी चाय हो जाना चाहिए, क्योंकि शोधों में ये देखा गया है कि जो आप कॉफ़ी लेते हैं ना, मान लीजिए मैंने सुबह 10 बजे एक कॉफ़ी ली, फिर मैं बोलूंगा कि रात के 10 बजे जब मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ तो कॉफ़ी का असर चला जाना चाहिए, पर ये शोध में ये देखा गया कि ये जो कॉफ़ी का असर है आधा असर तो चला जाता है, पर जो आधी कॉफ़ी का असर बचा रहता है शरीर में वो आपको नींद में डिस्टर्बेंस लाता है। कई बार होता है कि नींद तो लग जाती है पर उतनी गहरी नहीं लगती और खुलने लगती है, तो ऐसे मरीजों को ये भी जो अवस्था है ये बीमारी की तरफ ले जाने वाली अवस्था है। तो सुबह के समय चाय कॉफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वो दिन में जगा के रखेगा, सुस्ती मिटा देगा, पर लेट इवनिंग में, लेट आफ्टरनून में या शाम के समय या सोने से 1 घंटा पहले अगर चाय कॉफ़ी लेंगे या कोई कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेंगे तो आपकी नींद उछट जाएगी। तो ये चीज़ें आपको स्वस्थ नहीं बनाएगी बल्कि आपको बीमारी की तरफ ले जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे आपने देखा होगा कि साइकियाट्री में मरीजों को हम एक तरीका है इलाज करने का जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। पुराने जमाने की हिंदी मूवीज में बहुत सीन आते थे जब किसी को प्रताड़ित करना होता था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ही देते थे, या वो कुछ मानसिक अवस्था वाले मरीजों में भी दिखाते थे, बड़ा मार्मिक चित्रण होता था उसका। आजकल वो सीन कम देखने मिलते हैं, पर बिल्कुल उसी की तरह नींद भी काम करती है। देखिए इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल स्टेटस में आ जाता है, जैसे आपके मोबाइल में आपका रीसेट बटन होता है ना, कभी कभार आप लोग तंग हो जाते हैं कि मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है तो क्या करते हैं, हम सेटिंग्स में जाते हैं, रीसेट बटन को रीसेट एज पर द फैक्ट्री फैक्ट्री सेटिंग सेटिंग्स, तो ये फैक्ट्री सेटिंग वाला जो रीसेट बटन है वो आपका नींद है। जो दिन में आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, उनके नाना रूप के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और बहुत सारे केमिकल्स दिमाग में बहुत सारे हो जाते हैं, शोधों में ये देखा गया है जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये केमिकल्स जो कि हानिकारक हैं वो कम होने लगते हैं, और जिन लोगों को लंबे समय तक जगा के रखा जाता है इनमें ये केमिकल्स जैसे एमाइलॉइड प्रोटीन और इस तरह के केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। और दिमाग के दो हिस्से हैं जो नींद के लिए खास तौर पे बहुत ध्यान रखते हैं, एक तो है एमिगडेला, दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दोनों ही एरियाज की तरंगे बिल्कुल अलग हो जाती हैं अगर नींद डिस्टर्ब हो जाए। तो हमने देखा कि नींद का शास्त्र कुछ बहुत ही अलग टाइप का है, पर उसकी आवश्यकता बिल्कुल सरल है कि आप नियमित अपनी जीवन शैली में नींद का समावेश करें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने दें। आपको प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी याददाश्त है, जो आपकी चमक है, जो आपका लुक है, जो आपकी सुंदरता है, सब कुछ निर्धारित होता है आपने कितने घंटे और कैसी नींद ली है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खास तौर पे सभी को, और जो मधुमेह के मरीज हैं वो अपनी नींद पे बहुत ध्यान रखें, और अगर किसी भी प्रकार की जो मैंने बातें बताई हैं उन जटिलताओं में कहीं ना कहीं कोई बात निकल कर आती है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपकी स्लीप स्टडी करके देखेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो मोबाइल जैसा छोटा सा डिवाइस बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, वो उसको लगा के सोएंगे तो जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, शुगर बहुत अच्छी हो जाएगी, दवाइयाँ कम होने लगती हैं, इंसुलिन ऐसे लोगों में 250-300 इंसुलिन चल रहा है यूनिट दिन भर में, वो कई बार 30-40-50 तक आ जाता है, कई 30-40 वालों की इंसुलिन बंद हो जाती है, तो ये चमत्कार संभव है। इसलिए आप सतर्कता पर आपको बरतनी होगी, आवश्यकता भी आपकी, सतर्कता भी आपको ही करनी होगी, और आवश्यकता पड़े तो आप अपने डॉक्टर की मदद लीजिए। तो आशा है ये जो आपको नींद के बारे में मैंने बताया इसका बहुत ध्यान रखेंगे, और वो गाना है ना, धीरे से आना निंदिया अखियन में, ये आपके जीवन में चरितार्थ होनी चाहिए। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।